नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष, स्वागत करता हूं आप सभी का एनजीओ क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग बहुत सारे नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में अलग अलग जॉब्स के लिए अपॉइंट किया जा रहा है बहुत सारे लोगों को, ठीक है। तो मैं आज वही सारे वैकेंसीज के बारे में बात करूंगा जो अप्रैल और मई में आने वाले सारे वैकेंसीज है, उसमें आईपीएस के भी 200 पद हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें मैं बहुत सारे इसके क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में भी बात करूंगा, उसका नोटिफिकेशन का अप्लीकेशन फॉर्म कब से अप्लाई करना है उसके बारे में मैं भी इस वीडियो में बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने दिख रहा होगा, जनसत्ता का एक रिपोर्ट है, जनसत्ता न्यूज का रिपोर्ट है। इसमें लिखा हुआ है कि देखिए ये रिपोर्ट जो 28 मार्च 2021 का है, 28 मार्च यानी कि आज से 2 दिन पहले का ये रिपोर्ट है। इसमें 9:26:41 में एक रिपोर्ट जारी किया गया है। उसमें लिखा गया कि टीचर, इंजीनियर, सब इंस्पेक्टर और ऑफिसर सहित कई पदों पर मौका, ऐसा करना होगा आवेदन। किस तरह से आवेदन करना होगा उसके आगे में मैं जानता हूँ, ठीक है ना। इसमें देखिए आपको ये जो ऑफिसर है ना, इसमें आईपीएस के 200 वैकेंसीज है, इंडियन पुलिस सर्विस। देखिए मैं इसके पहले इसके बारे में बता देता हूँ कि इंडियन पुलिस सर्विस एक ऐसा जॉब है जिसका रिक्रूटमेंट जो था वो करता था यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन इस बार भी यूपीएससी ही करेगी। लेकिन उसमें लेकिन आता था कि उसमें आईएएस का, आईपीएस का, आईएफएस का, आईआरएस का, उसके अंतर्गत और भी बहुत सारे वैकेंसीज का एक ही बार सारा रिक्रूटमेंट किया जाता था। लेकिन इस बार जो क्या है कि उसको आईपीएस का अलग से 200 पद खाली है, उसके लिए अलग से वैकेंसी का दिया गया है इसमें जो है। आगे देखिए क्या है, सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले बालों के लिए हम देश भर के अलग अलग हिस्सों में निकली सरकारी नौकरियों की जानकारी दे रहे हैं, जनसत्ता जानकारी दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप मेरे माध्यम से सुन रहे हो तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ इस चीज़ के लिए। इन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड लिमिटेड यानी कि ECIL ने टेक्निकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं यानी कि टेक्निकल ऑफिसर के पदों पर। इसके लिए जो एप्लीकेशन का जो होगा, आप देख सकते हैं, उम्मीदवार 6 अप्रैल 2021 को आयोजित किए जाने वाले वॉक इन इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो सकते हैं। 6 अप्रैल 2021 को वॉक इन इंटरव्यू के लिए इसमें जो है वो एलिजिबल जो होंगे वो उसमें जाकर के आप अपना उसमें उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड यानी UPPRPB ने उप निरीक्षक यानी गोपनीय, सहायक उप निरीक्षक यानी कि क्लर्क का भी इसमें वैकेंसी है, ठीक है ना, और उप इस सहायक उप निरीक्षक यानी लेखा की भर्ती के लिए एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है, आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसके आगे लिखा है कि निरीक्षक लेखा की भर्ती के लिए एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 मई 2021 से शुरू होगी, 1 मई 2021 से ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी आपका क्लर्क के लिए, और ये जो गोपनीय है जो उप निरीक्षक उसके लिए, और सहायक उप निरीक्षक ने लेखा है उस पदों की भर्ती के लिए 1 मई 2021 से आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। एक बार आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद उम्मीदवार 31 मई 2021 यानी कि UPPBPB.gov.in पर, मैं इसको आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस पर जाकर के क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर आप उसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 31 मई 2021 के बाद, यानी उस दिन से स्टार्ट आपका हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा BOB ने बिजनेस कॉरपोरेशन सुपरवाइजर के लिए पद पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। संबंधित विषय में मांगी गई योग्यता रखने वाले उम्मीदवार 10 अप्रैल 2021 को और इससे उससे पहले निर्धारित प्रारूप के माध्यम से पदों पर आवेदन कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए जो BOB बैंक ऑफ बड़ौदा में बिजनेस कॉरपोंडेंट सुपरवाइजर के पद पर जो है उसमें उसके लिए वैकेंसी का जो एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा 10 अप्रैल 2021 को सुनिश्चित प्रारूप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। 10 अप्रैल 2021 को इसके वैकेंसीज आने वाले हैं, तो 10 अप्रैल को आपको एक्टिव रहना है, ठीक है ना। इसमें लिखा है कि 10 अप्रैल 2021 को या उससे पहले निर्धारित प्रारूप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अब मैं आपको आईपीएस का वैकेंसीज जो है उसके बारे में बता दूँ। उसके लिए एलिजिबिलिटी जो होगा आपका, एलिजिबिलिटी आईपीएस की वैकेंसीज के लिए आपका ग्रेजुएशन होता है, चाहे तो आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हो, चाहे तो आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, या तो फिर किसी भी स्ट्रीम से आपका हो, आप इंजीनियरिंग हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से किए हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है ना। तो आईपीएस के लिए 200 पद है, उसके लिए आप आवेदन आपका बता दें कि कब से आपका है, ठीक है ना। उसका आगे देखिए लिखा गया कि भारतीय पुलिस सेवा में अब संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा द्वारा 200 ऑफिसर पुलिस ऑफिसर आईपीएस की भर्ती की जाएगी। अभी तक यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा द्वारा केवल 150 पद पर ही हर वर्ष की नियुक्ति की जाती है, हर साल 150 पद पर ही नियुक्ति की जाती है आईपीएस का, लेकिन इस बार 200 पदों पर आईपीएस की नियुक्ति की जाएगी। सिंपल सा ये कहने का मतलब इसका। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने अनुबंध आधार पर विभिन्न कार्यालयों विभागों में उप सचिव स्तर के अधिकारियों के पद पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार 3 मई 2021 को या उससे पहले निर्धारित प्रारूप के माध्यम से पदों पर आवेदन कर सकते हैं, यानी कि इसका डेट जो है 3 मई 2021 का दिया गया। अब मैं इसके बारे में पूरी बात करता हूँ। देखिए आईपीएस का जो वैकेंसी है उसमें आपका
एलिजिबिलिटी होता है ग्रेजुएशन, उसका वैकेंसी का जो डेट है मैं आपको बता दिया 10 अप्रैल 2021 के बाद उसका आप जो कर सकते हैं, इसके लिए 3 मई 2021 दिया गया, ठीक है ना। तो आप एक्टिव रहिए इस चैनल पे, मैं सारा का सिलेबस आपके सामने डिस्कस करूंगा, सारा कुछ बता दूंगा कि इस एग्जामिनेशन में किस तरीके के प्रश्न आते हैं और सारा कुछ मैं डिस्कस करूंगा इस चैनल पे। मैथमेटिक्स भी मैं पढ़ाता हूं, तो अगर मैथमेटिक्स का कोर्स करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और मैथमेटिक्स का फुल कोर्स बहुत ही जल्द इस चैनल पर मैं पढ़ाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।